अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनू। तो आज 23/2/2023 बनू में एक तारीखी इज्तिमा मुनाकिद हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबे से बहुत ही बड़े बड़े उलमा कराम और तबलीगी भाई आए होंगे। इसमें भाई दिन के बारे में आप लोगों का आगाह किया जाएगा और इसके बारे में आप लोगों को तालीम दी जाएगा। तो चले मेरे साथ, मैं आप लोगों को तबलीगी इज्तिमा दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये तबलीगी भाई सब जा रहे हैं, तबलीग मार्केट की तरफ रवाना है और पैदल जा रहे हैं। तकरीबन मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम तबलीगी भाई जो है, ये पैदल निकले हैं और पैदल जा रहे हैं। तकरीबन यहाँ से मार्केट जो होगा मैक्सिमम होगा 9 किलोमीटर, और इससे भी ज़्यादा दूर दूर इलाके से यहाँ आए हैं और वो भी माशाल्लाह पैदल। तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं तबलीगी मरकज को। लोग देख सकते हैं ये यहाँ का रश। आज बन्नू को तकरीबन पाकिस्तान के चारों सूबे से तबलीगी भैया आए हैं और वेलकम के लिए खड़े हैं सब। बहुत ही बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ़ लाए हैं और भी बहुत सी अजीम हस्ती जो कि मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं बन्नू में, और यहाँ पे जगह जगह पे तबलीगी वाले और ये बन्नू की आवाम वेलकम के लिए खड़े हैं लोगों के लिए। पहुँच गए जी तबलीगी मार्केट को। यहाँ पे है जी बन्नू बाइकर और मैं अभी इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊँगा जी। अस्सलामु अलैकुम।
तो अभी हम जा रहे हैं रोटी लाने के लिए कैंटीन की तरफ। सालन तैयार हो गया और बस रोटी का बंदोबस्त करना है। माशाल्लाह बहुत खास ज़बरदस्त माहौल है दीन इस्लाम का, सबसे बड़े इज्तिमा बन्नू का। पंद्रह रोटी और डबल के हो गए ये 600 रुपये। अभी ये शीट देना है और वहाँ से 15 रोटी लेना है भाई। ये कैंटीन हो गया चाय का और ये रहा जी रोटी का। अभी हमने खड़े होना है लाइन पे। चल भाई खड़ा हो गया रोटी लेने के लिए। किसी ने सब्ज़ी दाल और गोश्त वगैरह का ना हो तो वहाँ से टिकट बनवाना पड़ेगा जो पहले हमने बनाया, और यहाँ से उसे करना पड़ेगा और ये जो कोफे है इसके अंदर फिर करना होगा भाई। माशाल्लाह भाई शाम के नमाज का टाइम हो चुका है और अभी सब तबलीगी भाई भागदौड़ में लगे हुए वज़ू कर रहे हैं और अपनी जगह को भर रहे हैं। जहाँ पे खाली जगह उसको देखती है वो भर देता है और कोशिश करते हैं कि वो आगे से आगे सफ में चले जाए। अल्लाह के दिन का ताल्लुक 24 घंटे की जिंदगी के साथ है। नमाज पढ़ लेना और जो है ये तो इबादत, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात देना, हज कर लेना, ये तिजारत कैसे हो, हमारी ज़राअत कैसे हो, हमारी माशरत कैसे हो, हमारे अखलाक कैसे हो, किसी नमाजी ऐसा कोई तो बुला रहा है जन्नत और आफत की तरफ बुला रहा है, बताओ इससे अच्छी आवाज किसकी है। उसका जवाब यह है माशाल्लाह जबरदस्त इत्तेमा का अहतमाम हुआ है।
और अभी इंशाल्लाह 9 बजे दुआ होगा, दुआ के बाद फिर इज्तिमा का ख़त्म होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। हमारी तिजारत इन पहाड़ों को मिलाकर इन पहाड़ों को आपस में रगड़ा जाए तो ये कीमा बनकर सब खत्म हो जाए। लेकिन हुजूर ने सिफारिश क्या की, ये हुजूर की सिफारिश थी ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हुजूर के साथ ये मामला किया। ए अल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ इनकी नस्लों में वो लोग पैदा होंगे जो तुझ पर यकीन रखने वाले होंगे और तेरी तौहीद का झंडा पूरी दुनिया में जिंदा करेंगे। माशाल्लाह। तो भाई तालीम में तीन आमाल अल्लाह के रास्ते में निकले, तजवीद ताकि कुरान पाक ठीक हो और नमाज हमारी ठीक हो जाए, जितने साथी अच्छा पढ़ने वाले हैं उसके हल्के लगाए जाए, पहले एक हल्का लगा दिया पता लग जाए और फिर उसके बाद हदीस का पढ़ना को सुनकर आमाल का शौक पैदा हो रहे हैं और दिल का नूर हमारे दिल में आ गया और हम इसको प्रारंभ करने वाले और इसको फैलाने वाले। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا أنت مولانا وسلم، ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم. إليك ربي فحببنا وعلى صالح الأعمال فقربنا وعن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وفي كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. फाइनली जी इज्तिमा ख़त्म हुआ, दुआ हो गया और बस अब लोग अपने घरों की तरफ रवा दवा है। बहुत ही प्यारा दुआ दिया मौली साहब ने और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा गुजरा। माशाल्लाह मानो का तारीखी इज्तिमा इख्तिताम पज़ीर तक पहुँच गया। इसमें बहुत से उलमा कराम ने बहुत ही खूबसूरत अच्छे अच्छे बयान दिए इस इज्तिमा में। पाकिस्तान के चारों सूबे से बहुत ही बड़े बड़े उलमा कराम आए थे, बहुत ही नेक बंदे आए थे, अल्लाह के नेक बंदे आए थे यहाँ पे और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे। प्लीज भाई लगे हुए हैं ये जितने भी बंस लगे हैं उसको हर एक अपनी जगह उसको उखाड़ के ना वहीं पे रख देते हैं। माशाल्लाह तबलीही भाई
रास्ते बचने के लिए रोड के बजाय शॉर्टकट रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, जैसे कि मैं अख्तियार कर रहा हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।